नगर परिषद थानेसर की हरियाणा नगर पालिका थानेसर इकाई के कर्मचारी संघ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा नगर परिषद कार्यालय में आकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की टेबल पर जिस प्रकार से रोड़ी वे बजरी इत्यादि फेंकी गई है, तो कल को क्या गारंटी है कि उन पर ऐसे लोग हमला न कर दें। इसलिए यदि आगे से किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का व्यवहार सामने आया तो यूनियन उक्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ा फैसला लेने को मजबूर होगी, जिसका उक्त व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए यूनियन के जिला इकाई प्रधान बलवान सिंह ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी या काम से संबंधित कोई दिक्कत है तो वह उचित तरीके से अपनी बात अधिकारियों के सामने रखे। यदि उसकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती तो उनके अलावा भी कई बड़े अफसर जिले में बैठे हैं, जिसमें उपायुक्त, एडीसी वे एसडीएम आते हैं। वह व्यक्ति वहां जाकर अपनी समस्या भी नोट करवा सकता है। लेकिन इस प्रकार का यदि आगे कोई अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ व्यवहार करता है तो यूनियन हड़ताल करने जैसा भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। बलवान ने बताया कि पहले भी दो बार उक्त व्यक्ति द्वारा अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने की शिकायत सामने आ चुकी है, जिसे अनदेखा कर दिया गया, परंतु यदि अब ऐसा आगे से नहीं चलेगा। इस अवसर पर यूनियन की तरफ से सुभाष दरोगा, राजेंद्र दरोगा, करमबीर दरोगा, परमजीत व विपिन इत्यादि के अलावा कई सफाई कर्मचारी भी मौजूद थे।